सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भक्त अगर हमें छू दे, चैतन्य महाप्रभु जिसको छू देते थे वो नाचने लग जाता था भगवान का भजन करते करते। हिंसक जीव हिंसा त्याग देता था भजन में इतनी शक्ति है। कोई भगवान का भजनानंदी भगत ओहो छू दे, इसलिए तो पैर छूते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु संत होते हैं, कि उनके भीतर जो भगवान की कृपा प्रवाहित हो रही है वो हमें मिल जाए थोड़ी सी छूने से, इसलिए पैर छूते हैं। पैर छूने का यही मतलब कि वहां से हमें शक्ति मिलेगी, कृपा मिलेगी। छुएंगे नहीं तो कृपा मिलेगी नहीं। पर आजकल पैर छूने में बहुत शर्म लगती लोगों को, दूर से ही ऐसे कर देते हैं और हाई फाई हो गए तो घुटने तक ही चले आते हैं। हाँ, पैर उन्हीं के छूने चाहिए जिनमें ये शक्तियां हैं, जहां अपनी श्रद्धा बन रही वहां। पर छूना जरूरी है। आगे एक कथा आएगी अभी गजराज की, उसमें छूने का बड़ा महत्व। संत महापुरुष जो हैं, ब्राह्मण जो है उनके पैर जरूर छूने थे, जो सम्माननीय है उनके पैर जरूर छूने थे।